हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिस इज चादी सनकार एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्रिस्टोफर मार्लो ओके ये हमारा पार्ट वन रहेगा सो विल कवर द पार्ट टू एज वेल यू कैन गेट माय लेक्चर्स एट एट नाइन पी एम ऑन अ डेली बेसिस एम सो सॉरी बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर में जायरफ्रेन के स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है इंग्लिश लिटरेचर का कम्प्लीट कोर्स जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे शॉर्ट एंड स्मार्ट के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके साथ ही आपको फुल नोट्स फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा जिसे आप इजीली अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है दर गोइंग टू गेट पेपर वन कम्पलीट फ्री सो सेविंग याड्रेड रुपीज या नाउ फ्री वीडियोज़ के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपको फटाफट डाउनलोड कर सकते हो आप सो सेक्शन पे जाओगे आपको सारे जो है कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी सर्च बार में जाके करके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स की ओवरव्यू आपको आपके सामने आ जाएगा इसकी ड्यूरेशन इसकी फीस सब कुछ आपको मिल जाएगी कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको जो है यूनिट वाइज फोल्डर दिखेंगे ठीक है हर एक यूनिट में थ्योरी लेक्चर्स एवैल्यूशन नोट्स मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेड कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पे हर एक सेशन की पी आप लोगों के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी ओके नाउ लेट्स का क्रिस्टोफर मार्लो सबसे पहले कुछ बातें जो हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में आप जानिए ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के को अप्रिशिएट किया है आप कह सकते हो कुछ लोगों ने कमेंट किया है दैट यू नीड टू नो सो इन्हें कीट मार्लो भी कहा जाता है ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज कीट ना समझ लें आप इसीलिए आई हैव आईव मैं ऑल्सो नोन एज कीट मार्लो ठीक है अब और एक इंटरेस्टिंग बात है इनको बैप्टाइज किया गया था 26 फरवरी 1564 को जो कि शेक्सपियर का भी वही डेट है ठीक है बैप्टिजम का वही जो है ना सेम टी सिक्स फेबर नाइनटी फो सिक्सटी जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज होती है समटाइम्स लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर हैं और बहुत टाइम पे ऐसा भी कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय क्रिस्टोफर मार्लो ठीक है उनकी डेथ जल्दी हो जाती है क्रिस्टोफर मार्लो की नाउ ये एक इंग्लिश प्ले राइट है पोएट हैं ट्रांसलेटर हैं ठीक है एलिजाबेथन एरा के

कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे हैं जैसे जॉर्ज पील ने कहा है मारले द म्यूजिस डाले ठीक है दिस वन यू शुड रिमेंबर सेकेंड मिकल रेटन नोटेड दैट ही हैड इन हिम ब्रेव ट्रांसलूनरी थिंग्स दैट द फर्स्ट पोएट्स हैड ठीक है ही सेड ट्रांसलूनरी थिंग्स दैट द फर्स्ट पोएट्स हैड ठीक है और भी देखते हैं और कौन कौन से राइटर्स ने कमेंट किया है सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जैसे बेन जॉनसन ने कहा है मार्लोज माइटी लाइन ओके ही सेड माइटी लाइन बाद द मोस्ट फेमस टू मार्लो पेड बाय शेक्सपियर कहा दी थी एज यू लाइक इट एक इनका वर्क है सॉरी शेक्सपियर का जिस पे जो है मार्लो को ट्रिब्यूट दिया गया है जहां पे ना हीरो पोएम कि लाइंस उठा के जो है शेक्सपियर ने यूज़ की है ठीक है तो पोएम की लाइन है डेड शिफर नाउ आई फाइंड द शो ऑफ माइट हु एवर लव्ड दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइड ठीक है डेड शिफर नाउ आई फाइंड दाई शो ऑफ माइट हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइड ठीक है ये उसके बाद वो ऑल्सो गिव्स टू द क्लाउन टच स्टोन द वर्ड्स वेन अ मैंस वर्सेज के नॉट बी अंडरस्टूड Not a man's good wit seconded with a forward child understanding, it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room. He said, When a man's verses cannot be understood, not a man's good wit seconded with a forward child understanding, it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room. ओके okay, देखिए और भी बहुत सारे वर्क्स में जो है ना शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो से इन्फ्लुएंस हुए हैं तो आपको ये देखना है कौन कौन से वर्क्स में मार्लोवियन थीम्स को उन्होंने यूज किया है है एंटनी एंड क्लियो पहला द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिचर्ड द सेकेंड एंड मैकबेथ मैकबेथ तो सबको पता होगा मैकबेथ एंटोनी एंड क्लियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड रिचर्ड द सेकेंड ओके नाउ मूविंग ऑन वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो ठीक है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बात पे ध्यान देना है आपको क्रोनोलॉजिकल वे में ठीक है आपको ध्यान रखना है कब कौन work जो है किसके बाद आया ठीक है क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज ठीक है इट वॉज पब्लिश पोस्टमसली इन 1594 ठीक है इसको कराया गया था 1594 में अब देखिए मैंने आपको चिल्ड्रन ऑफ द चैपल के बारे में नहीं बताया <coughs> बहुत सारे एक्टर्स uh, और कंपनीज थे ठीक है थिएटर जो जैकलीन प्लेज़ परफॉर्म करवाते थे तो चिल्ड्रन ऑफ द चैपल जो है एक कंपनी है ऑफ बॉय एक्टर्स इन लंदन ठीक है तो फर्स्ट परफॉर्म कराई गई थी बाय द चिल्ड्रन ऑफ द चैपल के द्वारा <coughs> अब प्राइमरी सोर्स क्या है प्राइमरी सोर्स है वर्जिल का एनियार वर्जिलस एनियार बट बुक कौन कौन से हैं? फर्स्ट बुक सेकेंड बुक एंड फोर्थ बुक द थर्ड वन ओके इट एक्सक्लूडेड एनी आर्ट ओके नो ये पूरी जो स्टोरी है वो किसकी है देखिये डिडो एक फिगर है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज जो की क्वीन ऑफ कार्थेज है एंड ये बेसिकली डिडो एंड उनकी लव स्टोरी के बारे में है और एक कैरेक्टर है जहाँ पे उनका लवर है बेसिकली क्या होता है? डीडो को धोखा मिलता है एनियस के द्वारा उसके बाद चीजें आ, कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हैं कि डीडो डिसाइड्स टू डाई वो सुसाइड करने का सोचती हैं जब एनियास को जो है एनियास जो है डिपार्ट करने वाला होता है इटली के लिए ठीक so, है सो ये बेसिक स्टोरी है ये ध्यान रखिए ये जॉनरा ट्रेजेडी नहीं है दिस इज ट्रेजेडी ओके जॉनरा क्या है ट्रेजेडी है बिकॉज़ ट्रैजिक एंड होती है डीडो की इट वाज अ शॉर्ट वन बट यू शुड नो दिस मच ओके नाउ एक कैरेक्टर है जुपिटर आप ध्यान रखें एंड क्यूपिड क्यूपिड आपको पता होगा बहुत ज्यादा वैलेंटाइन डे पे वो एंजल की तरह दिखते हैं एरो लेके रहते हैं वो दैट इज क्यूपिड Cupid Jupiter, characters हैं जो कि आपको ध्यान रखने है, Now, second work है जो कि दो पार्ट्स में है ठीक है पहला जो पार्ट है वो है 1587 में पब्लिश कराई गई थी सेकेंड पार्ट जो है 1587 और 1588 के बीच में जो है पब्लिश कराई गई है फर्स्ट परफॉर्म कराया गया है बाय द एडमारल्स मैन तो आपको ध्यान रखना है चैपल्स ऑफ द चैपल्स uh, के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो भी एक कंपनी थी इन माइल्स मैन को भी ध्यान रखना है वो भी एक कंपनी थी ठीक है सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और सबसे पहली बार जो ब्लैंकवर्स को ब्लैक के बारे में मैंने पहले किया बिकॉज ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो गॉट हिज ठीक है सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है टम्बर लीन में उन्होंने ब्लैंकवर्स को यूज किया है ये ध्यान रखना है यूज इन द ड्रामेटिक लिटरेचर और ये बेसिकली क्या है स्टोरी है जैसे कोई एक गरीब परिवार से एक बहुत बड़ा राजा बन जाता है ना वैसी एक स्टोरी होती है आपने देखी होगी अम्म के जी एफ का एग्जाम्पल ले सकते हो आप वहां पे एक बहुत गरीब बच्चा होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एक टाइम पे बन जाता है राइट अब स्टोरी समझिए एक छोटा सा बच्चा है गरीब परिवार से है और वो राजा बन जाता है बहुत पावरफुल ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्बलिन जो है ना शुरू में शेफर्ड था ठीक है अब वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को देखता है कुछ सोल्जर्स को देखने के बाद उसे मन में जो है इच्छा होती है कि आल बिकम द रूलर ठीक है मैं जो है डोमिनेट uh, करूंगा ठीक है और uh, क्या करूंगा पूरी दुनिया पे राज करूंगा के जी एफ का एक डायलॉग है ना यू कैन रिलेट दैट ना ये फिर बाद उसके बाद पर्शिया को जीतता है कॉन्क्वेस्ट उसके बाद डिफीटिस किंग एंड टेक्स माइसि थ्रोन पूरी जो है थ्रोन जो है ले लेता है

कैप्चर uh, कर लिया था जिसका नाम था जेनोक्रेट कैप्टिव बाय बिकम आई टेकोक्रेटर शादी कर लेता है वो. Wow. बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्ले द प्ले एंड पाथ ऑफ कॉन्क्वेस्ट पे खत्म होता है जहां पे के जी एफ का भी फर्स्ट पार्ट था ना तो uh, देखो इन द सेकेंड पार्ट जो है टम्बुलेंस एम्पायर कंटिन्यूस टू एक्सपेंड एज हीस और भी एक्सपेंड करने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा जो है रूलर को हराता है और लैंड जो है कैप्चर करता है बट यहाँ पे होता क्या है टम्बुलेंस एडेंस एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा चीज़ें वो करता है जो कि एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है रेप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें

आ, राजा रहता ही है जब तक वो मतलब बहुत ज़्यादा रूथलेस राजा रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती द प्ले एंड विथ टम्बल इन डेथ लिविंग इज लेगेसी एज अ रूथलेस कॉन्क्वायर और अभी तक हम उन्हें वैसे ही उन्हें नहीं उसे ऐसे ही याद रखते हैं रूथलेस क्वानर ठीक है जिसमें बिल्कुल दया भाव नहीं था इसमें टम्बल इन द ग्रेट जो है ना एज एन एपिथेट यूज किया है एक थीम्स ऑफ पावर एम्बिशन एंडसिक्वेंसिस ऑफ अनचेक्टी ये थीम्स को जो है, ये work डील करती है आपको ध्यान रखना है एम्बिशन को, को करती है और अगर आप अनचेक्टी uh, को फॉलो करते हो बिना कुछ सोचे समझे चीजें करते हो तो प्रोमैटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते ठीक है मूविंग ऑन द जियो ऑफ माल्टा यहाँ पे देखिए और इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी फर्स्ट पब्लिश इन फिफ्टीन हंड्रेड नाइन टू ठीक है इसकी सेटबैक जो रखी गई है सेटिंग आप रखी गई है जो है अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन स्पेन एंड ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको एलिजाबेथन um, एज में जो बैकग्राउंड मैंने डिस्कस की थी उसमें आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में नहीं बताया था ऑटोमन एम्पायर इनक्लूज मुस्लिम एम्पायर्स ठीक है तो ये और इसकी जो सेटिंग है इस द जियो ऑफ माल्टा की स्पेन एंड द ऑटोमन एम्पायर जो कि स्ट्रगल चल रही थी कौन सुप्रीम है कौन बड़ा है इन द मेडिटेरियन द टेक्स प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ माल्टा ठीक है कौन से आइलैंड में हुई माल्टा ना द प्ले बिगेन्स इथ माल्टा अंडर सीज बाय दुर्क बाराबस हुई एंड वेल्थी मैन ये कैरेक्टर आप ध्यान रखिएगा बहुत लालची और बहुत ज्यादा सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है ये ठीक है ना प्लॉट जो है पूरी तरह से रिवेंच पे बेस्ड होती है और हम इसे जो है रिवेंच ट्रेजिडी भी कहते हैं ठीक है नाउ इट इन रिटेलिएशन ही प्लॉट्स अ सीरीज ऑफ रिवेंज स्कीम्स इंक्लूडिंग मर्डर एंड मैनिपुलेशन टू रिगेन हिज वेल्थ एंड पावर दोबारा से वो जो है सारी चीजें पाने के लिए बहुत गंदी टैक्टिक्स यूज करता है मैनिपुलेशन मर्डर बहुत सारी चीजें राइट right? इसके मैनिपुलेशन में कुछ जो टारगेटेड कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से थे so, जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से उनकी खुद की बेटी है एबिगेल ठीक है एंड अ क्रिश्चियन गवर्नर नेम फर्नीस इन लोगों को जो है बहुत ज्यादा मेन्यूपलेट करता है पूरी स्टोरी स्टोरी जो है इसी के राउंड रिवॉल्व कराती है ठीक है ना आप देखोगे ही इम्प्लॉय डिसीट एंड कानिंग टैक्टिक्स लीडिंग टू अम्प्लेक्स वेव ऑफ बिट्रिय कॉम्फ्लेक्स लेकिन चीजें उसके अगेंस्ट भी चली जाती है अलॉन्ग द वे ही टू कन्वर्ट टू टू फर्दर हिज स्कीम्स नाउ अल्टीमेटली बारबर्स एक्शन लीड टू अ ट्रैजिक चेन ऑफ इवेंट्स रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवर कैरेट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हिमसाफ तो पहले तो आ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है टैक्टिक्स यूज करता है बहुत सारी चीज़ें करता है लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ होती है खुद की भी जान चली जाती है उसकी ठीक है बहुत सारे थीम्स हैं जैसे ग्रीड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीट एंड रिवेंज ठीक है रिवेंज आप देखोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीट सीद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए ग्रीड एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी थाउस टाइम जैसे कि ऑटोमन एम्पायर का बैकग्राउंड दिखाया गया है ठीक है ना वेरी फेमस डॉक्टर फास्टस एक प्ले है ठीक है इसकी जो पूरी जो टाइटल है वो ये है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस क्या है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ डॉक्टर फोस्टस ये एक एलिजाबेथन ट्रेजडी है इनके ज़्यादातर वर्क जैजडी जॉनरा में ही आते हैं ठीक है ये पूरी जो स्टोरी है एक जर्मन स्टोरीज पे बेस्ड है टाइटल कैरेक्टर था फॉस्ट उस पर बेस्ड है आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है पहले तो आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ठीक है डॉक्टर फॉस्टस ऑफकोर्स द मेन कैरेक्टर सेकेंड लूसीफर थर्ड मेफिस्टोफिलिस, जिसके पास वो जाता है बेल्जब सेवन डेडली सिंस ठीक है देन पोप एड्रियन सिक्स जो वो चर्च में जाके जो लोगों को परेशान करने लगता है चार्ल्स द फिप जो रीन में होंगे राज कर रहे होंगे उस टाइम ड्यू ड्यूक ऑफ सेक्सनी ठीक है हेलन ऑफ ट्रॉय एंड गुड एंड बैड एंजल्स जो कि ना डॉक्टर uh, फॉर्टर्स को बहुत बार गाइड करने की कोशिश करती हैं कि देखिए आप ये चूज़ कीजिए और बैड एंजल बोलती है नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो इस तरह की ठीक है नाउ द प्ले इज़ इन ब्लैंक वर्स एंड फ्रोज इन थर्टी सीन्स पहले ही सिक्स हंड्रेड फोर में जब पब्लिश हुई थी तो इसमें सीन्स थे थर्टीन सीन्स थे बट सिक्सटीन सिक्सटीन में जब इसे पब्लिश कराई गई दोबारा तो उसमें कुछ सीन्स ऐड किए गए हैं जिसमें वो हो गया ट्वेंटी सीन्स हो गया राइट नाउ मूविंग ऑन स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ क्या है देखिए इट एज़ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फोस्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्कॉलर है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से पता नहीं क्यों डिससेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जो है खुश नहीं है अच्छा महसूस नहीं करता है अब वो डिसाइड करता है ना कि मैं आल गेन अल्टीमेट नॉलेज एंड पावर बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड पावर गेन करूँगा लेकिन करने क्या लगता है वो ब्लैक मैजिक की तरफ जो है अपना रुख मोड़ लेता है ही टर्न्स टू ब्लैक मैजिक ठीक है एंड कॉन्जर्स द डेमन मेफिस्टोफिलिस उसको बुलाता है हु इंट्रोड्यूस हिम टू लूसीफा अब मेफिस्टोफिलिस जो है लूसीफर से इसे मिलाता है अब चीज़ें देखिए क्या होगा इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल फॉस्टस मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल अब अपनी अपनी आत्मा के बदले जो है वो एक सेटिंग uh, करता है या कहो कि एक डील uh, करता है मुझे जो है ट्वेंटी फोर ईयर्स के लिए इनक्रेडिबल पावर एंड नॉलेज दो उसके बाद जो है मेरी आत्मा ले जाना ठीक है ये बहुत इसी टाइम पे जब आप देखोगे ना गुड एंड बैड एविल एंजल्स जो हैं वो आएंगी उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगी बट ही विल नॉट लेसन ठीक है नॉट ड्यूरिंग दिस टाइम ही परफॉर्म्स वेरियस मैजिकल फील जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करता है लोगों को परेशान करता है और बहुत इन्जॉय uh, करता है एंड एक्सपीरियंस इज द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफकोर्स विल गेट द पावर आपको लगेगा ना मैं ये भी कर सकता हूँ मैं भी वो भी कर सकता हूँ सो ही वॉज एक्चुअली फीलिंग लाइक दैट ओके हावेवर हैज इज टाइम बिगेंस्ट रन आउट जब समय खत्म होने लगा ना चौबीस साल क्या है अभी हम तो बड़े होते होते भी समझ नहीं आता कब ट्वेंटी फोर ईयर्स निकल जाती है इसको जो है टाइम बीतने के साथ ध्यान में आता है रियलाइज होने लगता है कि अब कॉन्सिक्वेंस तो बहुत खराब होने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इस दैट दट हिम ओके अब जो है क्या होने वाला है उसके साथ क्योंकि अब तो सोल ले जाया जाएगा ना देखिए डिस्पाइट इज रिग्रेट बहुत अफसोस करता है और चाहता है कि सारी चीज़ें जो है वो रिपेंट करे वो सारी चीज़ों को जो है बैक टू पेविलियन ले जाए लेकिन अब फॉस्टर्स की तो लाइफ डिसाइड हो गई है तो अब वो उसे नहीं कर सकता स्केप ठीक है के नोट स्केप हिज फेट उसके बाद जो है देखिए द प्ले एक्सलोज थीम्स ऑफ एम्बिशन वो एक्चुअली में डेथ हो ही जाती है एम्बिशन द करप्टिंग नेचर ऑफ पावर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग डील्स विद द डेविल कभी भी कुछ भी कीजिए डेविल के साथ जो है हाथ ना मिलाएं अल्टीमेटली डॉक्टर फॉर सोल इज क्लेन बाय लूसीफर एंड ही मीट्स अ ट्रेजिक एंड सोल तो जाएगी आप डेविल से डील कर चुके हो ना इंसान से करते तो भी चलता बस यही स्टोरी थी और आपको सारे कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो फ्रेंड्स थे ठीक है उसके दो फ्रेंड्स थे जिसने बताया था कि आप ये बुक पढ़ सकते हो ठीक है मैजिक बुक जो है ब्लैक मैजिक की बुक्स उसने सजेस्ट किया था तो वो आपको कवर करने हैं ठीक है ना थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो विथ अदर वर्क ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट